कसाई, इसका सिर काट डालो। रुको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं देता, देवी को बलि चढ़ा रहे हैं। पर इस मासूम मूक प्राणी ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसकी बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है और घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। किसी भी निरा प्राणी को दुख और यातना देने से क्या आप सुख और समृद्धि पा सकते हैं? भगवान किसी भी जीव की हत्या से खुश नहीं होते। पर मुझे लगता है आप मेरी बात इस तरह से नहीं मानोगे। चलो मैं आप सबको दुर्गापुर गांव की एक कहानी सुनाता हूँ। दुर्गापुर गांव में चाची चाची, गांव के लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब इतने चिंतित और परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, गांव के लोग बहुत अंधविश्वास होते हैं, इसीलिए इतने चिंतित होते हैं, और कोई खास वजह नहीं। बताओ ना चाची, क्या हुआ? जाने हमसे कैसा अपराध हो गया है, गांव के हनुमान जी रोते रहते हैं। मेरी बच्ची, हमने बहुत मनोती मानी, बहुत चढ़ावे भी चढ़ाए, लेकिन हनुमान जी रोते रहते हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि गांव पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसीलिए हनुमान जी इतने दुखी रहते हैं। यह कैसे संभव है? हनुमान जी कैसे रो सकते हैं? अरे तू जाके खुद देख के आ, हनुमान जी की आंखों से आंसू सूखते नहीं है। ठीक है, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते। जो भी चढ़ावा चढ़ाना हो यहाँ से चढ़ा लो। अरे पंडित जी, ये सरपंच जी के घर से आई है। अरे बिटिया, देवता पहले से ही नाराज है, यहाँ से दर्शन कर लो। क्या करूँ, सुबह से बैठा बैठा मैं भी परेशान हो जाता हूँ। आसपास के गांव के लोग यहाँ चढ़ावा लेकर आते रहते हैं देवता को प्रसन्न करने के लिए। कैसे लोग हैं, खाली हाथ आ जाते हैं, चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते। क्या बात है, सही बात है। अरे बेटा वाणी। नमस्ते चाचा जी। कहाँ से आ रही है? बस कुछ नहीं चाचा जी, मंदिर गई हुई थी। चाचा जी, कहीं देवता भी रोते हैं? और चाचा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं बेटा, अगर ये लोगों के सामने भगवान के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो वो लोग भड़क जाते हैं बेटा। नहीं चाचा जी, आपको कुछ तो करना चाहिए। क्या इनकी खून पसीने की कमाई इस तरह व्यर्थ जाएगी? क्या भोले भाले लोग इसी तरह लूटते रहेंगे? नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ तो हल ढूंढना ही होगा। बेटा हम एक काम करते हैं, अपनी शाला के विज्ञान के शिक्षक को मिलते हैं, वो हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। क्या बात है, हमारी बात हो रही है? हाँ आइए आइए आइए। नमस्कार सरपंच जी। नमस्ते मास्टर जी, आप 100 साल जिएंगे? हम लोग आप ही के पास आने वाले थे। कहिए कहिए, क्या सहायता करूँ आपकी? अरे भाई बात तो ऐसी थी। हमने सोचा कि हम आप ही के पास चले। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, आपके प्रश्न का हल हम जरूर निकालेंगे। ठीक है वाणी, चलो। बाबा, देवता हम पर नाराज क्यों है? देवता तुम लोगों से नाराज नहीं है, उनकी आज्ञा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं देवता देंगे। ये देखो, इस लोटे में चावल भरे हुए हैं, और इस चाकू से मैं इस लोटे को चावल समेत उठाऊंगा। ये कैसे संभव है बाबा? हाँ,
अगर देवता तुम लोगों से नाराज नहीं है तो ऐसा ही होगा। ये देखो। ठहरो, देवता तुम लोगों से नाराज नहीं है किंतु दुखी है। क्यों बाबा? क्योंकि देवता चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ो, लेकिन तुम लोग शिक्षा से दूर भागते हो। इसकी वजह से देवता का खून जलता है। ये देखो। हमें माफ कर दो देव, हम पढ़ेंगे। बाबा, मैं गांव में पढ़ने की व्यवस्था करवा दूंगा, हम सब पढ़ेंगे। तुम्हारी पढ़ाई के वादे से अब देवता प्रसन्न है, इसी वजह से उन्होंने इस नारियल को फूलों से भर दिया है। ये देखो। यह जादू कैसे संभव हुआ? सब विज्ञान का खेल है चाचा। कैसे? नारियल को ध्यान से देखने पर उसमें तीन आंखें दिखती है। किसी नुकीली चीज से हमने उसमें छेद कर दिया और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, जो पानी में घुलकर उसे खून की तरह लाल कर दिया। दूसरे नारियल में हमने उसी तरह छेद किया और उसमें फूल की कलियां डाल दी, जो रात भर पानी में रहकर खिलकर फूल बन गए। और वो चाकू वाला लोटा, वो कैसे उठा? चाचा, जब चाकू को चावल पे बार बार मारा तो चावल के दानों में से जो हवा भरी थी वह निकल गई। जब पूरी हवा चावल से निकल गई तो चावल के दाने पास आ गए, जिसकी वजह से चाकू चावल में फंस गया और पतले मुंह का लोटा चाकू से उठ गया। और बेटे, वो आंसू वाली बात? मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाते समय किसी ने आंखों के पास नमक या नमी सोखने वाली कोई चीज लगा दी होगी, जिसकी वजह से नमी मिलने पर वह आंसू की तरह दिखने लगी। तो तुमने सबको सच्चाई बताई क्यों नहीं? लोगों के विश्वास के कारण किसी ने उन्हें ठगने की सोची। हमने उन्हीं के चाल का उपयोग किया और लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। तो तुमने नेले पे देला लगा ही दिया। मान गए तुम्हारे विज्ञान के चमत्कार को। देखा, दुनिया में न जाने कितने अंधविश्वास हैं, जो लोगों को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। आपकी बात सही है, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम जीवत्या नहीं करेंगे और करने भी नहीं देंगे। हम अंधविश्वासों को भी नहीं मानेंगे। और आप भी सावधान हो जाइए, कहीं आप तो ऐसे किसी अंधविश्वास के साथ नहीं जुड़े हैं ना। नमस्कार।